Hey, this it's me Harshika. Hope you all are doing great. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे IT डिपार्टमेंट के बारे में. हाँ, मैं सिर्फ MD डिपार्टमेंट के लिए ही कंटेंट बनाती हूँ गाइज. मैं उन्हीं के लिए मैंने MD डिपार्टमेंट का ही सब प्रिपेयर करके रखा हुआ है. IDD HIVI के लिए इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है मेरा कुछ भी कंटेंट. बट हाँ, आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है IDD डिपार्टमेंट के लिए, तो इसलिए कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ कॉन्सेप्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं क्लियर करवा दूँ, इसलिए ही ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, जिसमें हम बात करेंगे आज यूनिट नंबर 5 की. आपके कोर्स नंबर 2 के यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड कंटेंट है इस वीडियो में. एंड यूनिट नंबर 5 का नाम है लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद SLD. SLD रिप्रेजेंट्स फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी. अब आपको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी देखते ही समझ जाना चाहिए कि इसमें डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया ही आएगा. एंड इससे आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. हो ही नहीं सकता कि आपका डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या फिर डिसकैलकुलिया में से किसी से क्वेश्चन ना आए. तो अब हम चलते हैं 1.1 की तरफ, जिसमें आपको देखना है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन. फिर हम देखेंगे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और डेवलपमेंटल अफेजिया के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है. तो बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जो अफेक्ट करती है इंडिविजुअल की प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एबिलिटी पे, कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करता है. ये चीज़ अफेक्ट होती है लर्निंग डिसेबिलिटी से. तो ये हमारे वेरियस एस्पेक्ट्स पे अफेक्ट डालती है, जैसे कि कॉग्निटिव, हमारा मेंटल हेल्थ या फिर हमारी मेंटल एबिलिटीज़ क्या क्या है, थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सारे एस्पेक्ट्स इसमें आते हैं. रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, रीजनिंग, मेमोरी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसके अंडर में देखते हैं. लर्निंग डिसेबिलिटी नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस. जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किसी के भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है. यही पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं एंड यही पॉइंट सबसे ज़्यादा समझने का है. तो जैसे कि किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है बट वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो मेंटली सिक है या फिर मेंटली स्लो लर्नर है. नहीं, ऐसा ज़रूरी. तो इसलिए ही ये पॉइंट मेंशन किया गया है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी किसी के भी इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकती है. डिसकैलकुलिया होता है. डिसकैलकुलिया में क्या होता है कि बच्चे का मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं होता है, बट इट डजेंट मीन कि उसका बाकी एकेडमिक्स भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा. हो सकता है कि उसका इंग्लिश बहुत अच्छा हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज पकड़ बहुत अच्छी हो, बट वो मैथ्स नहीं उसको पसंद हो इसलिए वो नहीं कर पाता हो, या फिर मैथ्स उसको समझ में नहीं आता हो. बट इट डजेंट मीन कि उसका इंटेलिजेंस लेवल कम है, उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है. ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिसकैलकुलिया. तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, इट डजेंट मीन कि उसका इंटेलिजेंस लेवल कम है. डिसलेक्सिया. अब हम एक एक करके सारे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे. तो हमारे पास सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया क्या होता है? इट प्राइमली अफेक्ट्स द रीडिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ये बेसिकली अफेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल के रीडिंग या फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटीज पे. डिफिकल्टी हैव एक्यूरेट व्हेन फ्लुएंट वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एंड राइटिंग. तो ये अफेक्ट डालता है बच्चे की रीडिंग, राइटिंग या फिर कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग या फिर वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, फ्लुएंसी, इन सब फैक्टर्स पे, कि बच्चे का क्या पता रीडिंग अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि उसको डिसलेक्सिया है, उसको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं पता. जैसे कि अगर कैट है तो उसको नहीं पता कि वो CAT कैट होता है या KAT कैट होता है. वो सेम समझता है, उसको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन उतना क्लियर नहीं है. नेक्स्ट अब हम आते हैं डिसग्राफिया पे. डिसग्राफिया क्या होता है कि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है. बेसिकली बच्चा लिख नहीं पाता है, उसको समझ में नहीं आता. जैसे कि आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पे, तो आप ये समझ लो कि आपका ये वाला पूरा कोर्स उसी मूवी पे डिपेंड है. तारे ज़मीन पे ये वाला पूरा यूनिट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद SLD. तारे ज़मीन में एक ईशान अवस्थी था मेन करेक्टर, उसको क्या था, ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज. तो ऐसे ही डिसग्राफिया में उसको लिखने में दिक्कत थी ना ईशान अवस्थी को. उसका जो सर था उसने क्या कहा था, इसने कोई गलत स्पेलिंग याद नहीं कर रखी है, ये लिखता ही अपनी मर्जी का, इसको समझ में ही नहीं आता. जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देखोगे तो बी और डी में फ़र्क नहीं समझ पा रहा है. बी इधर से कब होता है, डी उधर से कब होता है. एम और एन में नहीं फ़र्क समझ पा रहा है. एम 2 बार टर्न होता है, एन 1 बार टर्न होता है.
ऐसे ही और भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि सी और ई। सी और ई में कितना कम फर्क है, देखने में सेम लगता है बट ई हल्का सा कर्व होता है। तो इसी तरीके से हो सकता है कि उसको वर्ड्स में दिक्कत हो, वर्ड्स की पहचान ना हो, तो ये आता है डिसग्राफिया में, जिसकी वजह से वो सही से आंसर नहीं लिख पाता या फिर कुछ पढ़ भी नहीं पाता, इनफेक्ट कुछ लिख भी नहीं पाता। बट हाँ, डिसग्राफिया बेसिकली इफेक्ट डालता है राइटिंग एबिलिटीज पे, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, लिखने में आते हैं ना, सी ई बी डी एम एन, ये सब लिखने में ही तो आएंगे, तो राइटिंग एबिलिटीज में वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है। नहीं चाहते डिसकैलकुलेरी मेनली अफेक्ट करता है बच्चे की मैथमेटिकल एबिलिटीज को। बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसको किस तरह से मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इंडिविजुअल में डिसकैलकुलिया, डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग इन एंड मैनिपुलेटिंग नंबर्स, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड ग्रेस्पिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रगल करता है काउंटिंग, टेलिंग टाइम, एस्टिमेटिंग क्वान्टिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल सिम्बल्स में। जैसे कि बच्चा प्लस और मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं कर पा रहा है, स्क्रीन पे देखेंगे सब बच्चे तो प्लस और मल्टीप्लाई की, प्लस और मल्टीप्लाई में दो लाइन्स होती है बट प्लस इज लाइक दिस एंड मल्टीप्लाई ऐसा होता है, तो हो सकता है कि बच्चे को इन दोनों में प्रॉब्लम हो, उसको नहीं समझ में आ रहा हो कि कौन सा प्लस है कौन सा मल्टीप्लाई है, तो हो सकता है कि उसको डिसकैलकुलेट हो तभी वो नहीं समझ पा रहा है। नाइन होता है, सिक्स होता है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि वो 69 बड़ा है या फिर 96 बड़ा है, उसको नहीं पता चलता है, वो ही थॉट कि ये सिक्स है नाइन है, सिक्स है नाइन है, उसको नहीं पता होता कि 69 बड़ा है या 96 बड़ा है। एडिशंस में प्रॉब्लम आ रही है या फिर वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है कि वो सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे कि इसमें से किसको माइनस करना है कि फिर क्या ऐड करना है, ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहा है, तो ये डिसकैलकुलिया के अंडर में आता है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं डिस्प्रेक्सिया पे। ये एक डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है, ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, इसमें हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की बात करते हैं जो हमारे मोटर कंडीशंस और मूवमेंट प्लानिंग पे इफ़ेक्ट करते हैं। उन्हें डिफ़िकल्टीज होती हैं कोऑर्डिनेशन में, बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग, जो इनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन ले सकते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कि शूलेस कैसे बनते हैं उसे नहीं समझ आता है कि कौन सा एक रिबन है फिर दूसरा है फिर उसको गांठ बांध के हमें रिबन वाली गांठ बांधनी है, क्योंकि ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन का काम है, इसमें मोटर स्किल्स की, फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत है, तो हो सकता है उसको ना आए, कैचिंग बॉल्स में उसको फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कहाँ से बॉल आ रही है उसे कहाँ से पकड़नी है और अपनी फाइन मोटर्स का यूज़ करके पकड़नी है, यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं, तो ये सब आता है डिसप्रेक्सिया में। नेक्स्ट आते हैं अब हम डेवलपमेंटल अफेजिया पे। जो डेवलपमेंटल अफेजिया है ये स्पेसिफिक लर्निंग इम्पेयरमेंट के नाम से भी जाना जाता है या फिर डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ये कंडीशन होती है जब बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट में दिक्कत आती है। डिस्पाइट नॉर्मल हियरिंग एंड इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल विद डेवलपमेंटल अफेजिया स्ट्रगल विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें जो चाइल्ड है वो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में स्ट्रगल फेस करता है, जैसे कि वोकैबुलरी, उसकी वोकैबुलरी कैसी है, ग्रामर कैसा है, कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, कि वो बच्चा किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, किस तरह से दूसरों ने जो कहा उसको रिसीव करता है, उसका ग्रामर पे पकड़ कैसा है या फिर उसके वोकैबुलरी प्रोनाउंसिएशन कैसा है, तो ये इफेक्ट करता है उसकी रीडिंग पे, राइटिंग में या फिर वर्बल कम्युनिकेशन में भी। नेक्स्ट अब हम आते हैं 2.2 पे, जिसमें आपको मेमोरी, अटेंशन ये सब पढ़ना है एक SLD बच्चे के लिए, कि किसी बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो अटेंशन पर उसके अटेंशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अटेंशन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है SLD चिल्ड्रन के लिए। मैंने सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इनफैक्ट मैं ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना चाहती इस वीडियो में, क्योंकि आपका कल ही एग्ज़ाम है, मैं ये वीडियो आज ही बना रही हूँ और ये वीडियो आज ही एडिट होके आज ही डलेगी, तो इसलिए मैं थोड़ा क्विक में आपको समझा रही हूँ, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहती मैं, तो इसलिए जो नोट्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। ये नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में हैं और मैं सिर्फ यही यूनिट कराऊंगी, बाकी यूनिट्स मैं नहीं कराने वाली, बट हाँ मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप कर सकते हो एग्ज़ाम, तो प्लीज़ इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लो अच्छे से शॉर्ट टाइम में। नेक्स्ट अटेंशन में क्या क्या चीज़ होती है, कि हम टास्क को ब्रेक कर दें स्मॉल स्टेप्स में, तो हो सकता है कि बच्चा ज़्यादा अटेंशन पे करे। अगर मैं उसको एक ही साथ सारी लाइन बोल दूंगी, जिससे छोटा बच्चा होता है, मैं उसे कहूँगी देखो ट्रेन जा रही है, तो हो सकता है वो बच्चा ना देखे, मैं उसे कहूँगी देखो ट्रेन जा रही है, तो
तो भी बच्चा नहीं देखेगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि मैंने इतना बड़ा सेंटेंस क्या बोल दिया, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है ना। और वहीं पर ट्रेन आते मैं उसे बोलूँगी ट्रेन 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 ट्रेन, तो हो सकता है बच्चा देखे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक वर्ड बोला जो वो पकड़ सकता है। ऐसे ही स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है किसी बच्चे को, तो उसकी कंडीशन समझो और उसके अकॉर्डिंग टास्क को ब्रेक कर दो, कि एटलीस्ट वो बेशक 2 दिन फालतू लगा के सीखे बट सीख तो जाए। आप उसको एक साथ सिखाने में लगे हुए हो, 1 महीना बीत गया बट वो नहीं सीख पा रहे, वहीं अगर आप उस 1 हफ्ते में 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लेते तो वो जल्दी सीख जाता। तो ऐसे ही टास्क को ब्रेक कर दो। यूज़ विजुअल एड्स, ऑफकोर्स आपको मल्टी सेंसरी अप्रोच करना यूज़ करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि वो विजुअल एड्स का यूज़ करें। जैसे कि जो मूवी थी तारे ज़मीन पे, उसमें जो ईशान अवस्थी था उसका सर क्या करता था ग्राउंड पे, लाइक वो कुछ कुछ ड्रॉ कर देता था, स्टेयर्स पे कुछ कुछ ड्रॉ कर देता था, या फिर उसको ब्लॉक्स देता था, पजल्स देता था खेलने के लिए, तभी तो उसमें सुधार आया था उसकी पढ़ाई पे, है ना। तो ऐसे ही विजुअल एड्स प्रोवाइड करो, ऐसे टूल्स या फिर ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड करो जिससे बच्चा इंटरेक्ट कर पाए। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो, ज़्यादा शॉर्टकट मत यूज़ करो। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं अभी एट प्रेजेंट इसको थोड़ा शॉर्टकट में समझा रही हूँ क्योंकि आप समझ सकते हो, बट अगर कोई बच्चा नहीं समझ सकता, कोई किसी बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करो। मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस हटा दो कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि किसी भी स्पेशल चाइल्ड का कोई सेशन होता है ना, तो उसको अकेले बैठा के सेशन कराया जाता है, अगर किसी की सीवियर कंडीशन है तो, क्योंकि उसको कोई डिस्ट्रैक्शन हमें नहीं, उसकी सराउंडिंग में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करो, उसका हियरिंग विजन, और अगर हम सपोज कोई फ्रूट करा रहे हैं, फ्रूट के बारे में बता रहे हैं, तो उसका टेस्ट, टंग वाला सेंस जो होता है, टेस्ट सेंस, ये सब यूज़ करो। मल्टी सेंसरी अप्रोच से ऑफकोर्स उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, एक एप्पल है, अगर हम एक एप्पल के बारे में, मैंने एप्पल बोला, आपके मन में क्या आया, एप्पल की शेप आ गई, एप्पल रेड कलर का होता है ये आ गया, एप्पल का टेस्ट आ गया, है ना, इनफैक्ट एप्पल के रेट भी आ गए हों क्या पता, क्यों, क्योंकि आपने मल्टी सेंसरी अप्रोच से सीखी हैं ये चीज़ें, आपको पता है कि एप्पल का टेस्ट क्या होता है, आपके माइंड में एप्पल की इमेज चल रही है इस टाइम पे, क्यों, क्योंकि ये मल्टी सेंसरी अप्रोच है, आपने उसे देखा है, टेस्ट किया है, उसका नाम सुना है। तो इसी तरीके से बच्चे के साथ हमेशा मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करके उसको सिखाने की कोशिश करो जिससे वो ज़्यादा सीख सके। इनकॉर्पोरेट मूवमेंट ब्रेक्स, शॉर्ट ब्रेक्स फॉर मूवमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी, हमेशा फोकस करो, हमेशा कोशिश करो कि बच्चे को हम छोटा छोटा ब्रेक देंगे। अगर हम, जैसे कि आपको मैं 3 घंटे की वीडियो अपलोड करता हूँ, आप देख तो लोगे, बट एक बार ऐसा होगा कि इतना लंबा वीडियो है फिर भी कुछ समझ नहीं आएगा, फिर और ज़्यादा आपको परेशानी होगी, या फिर चलो ये सब छोड़ो, अगर एक छोटा बच्चा है उसको आप 2-3-4 घंटे पढ़ाए जा रहे हो, वो अगले दिन से बैठेगा ही नहीं पढ़ने के लिए, वो कहेगा ये पकड़ के बैठ जाते फिर जाने नहीं देते हैं। इससे अच्छा बच्चे के लिए एक टास्क रेडी कर दो, बेस्ट थिंग होती है ये कि बच्चे को एक टास्क दे दो कि तुम्हें ये करना है, अब तुम इसको चाहे 2 घंटे में करो चाहे आधे घंटे में करो, तुम ये टास्क करके खेलने जा सकते हो, तो वो बच्चा क्या कोशिश करेगा कि वो उसको सही करे और जल्दी करे ताकि वो जल्दी खेलने के लिए जाए। तो इस तरह से उसको शॉर्ट ब्रेक देने की ट्रिक्स भी अपनाओ जिससे वो इंटरेस्ट रहेगा, उसका इंटरेस्ट दिखेगा और एंगेज्ड रहेगा। पता नहीं इतनी वीडियो बना के मेरे वर्ड्स ही आगे पीछे होने लग गए। ऑफर पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, हमेशा बच्चे को एक पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देना चाहिए क्योंकि वो बच्चा स्पेशली एबल्ड है, वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको, तो ऑफकोर्स वो बाकी बच्चों की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो पहले से इतना डिमोटिवेटेड है, उसको पहले से ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे को ऐसा बनाया है, क्योंकि उसको ऐसा तो नहीं पता चलेगा ना कि उसकी कंडीशन किस वजह से है, वो खुद को तो ऐसा समझेगा ना कि मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूँ, इनके जैसा क्यों नहीं हूँ। तो हमेशा कोशिश करो कि उसको पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट दो। अब जैसे मूवी थी जो ईशान अवस्थी था, उसको सारे टीचर्स कैसे बोलते थे, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे को कुछ नहीं आता, ये न लायक है पढ़ने में, तो क्या उसके 0 ही मार्क्स आते थे, बट जो उसका सर था वो उसको छोटी छोटी चीज़ों पर क्लैप करके, उसके साथ गेम्स खेल के उसको अप्रिशिएट करता था, जिससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और इम्प्रूवमेंट आई। तो हमेशा कोशिश करो कि उसको हम पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आते हैं हम इंडिविजुअल सपोर्ट पे। ऐसा मत कोशिश करो कि आप छोटे कम टाइम में या फिर एक ही साथ 4-5 बच्चों को सेशन दे दो, नहीं, इंडिविजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करो। बच्चे का हर बच्चा अलग अलग होता है, मैं अलग हूँ, आप अलग हो, सब अलग अलग हैं, सबकी मर्जी अलग अलग है, सबकी ज़रूरत अलग अलग है, सबके वांट्स अलग अलग है, तो इंडिविजुअली सपोर्ट करो बच्चे को, जाके बच्चे की कंडीशन क्या है,
किस लेवल पे है, लाइक्स और डिसलाइक्स को भी इंक्लूड करो। तो ये बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स को इंक्लूड करके बच्चे को इंडिविजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करो। नेक्स्ट जब हम आते हैं कोलैबोरेट विद प्रोफेशनल्स, कि आपको हमेशा प्रोफेशनल से कोलैबोरेट करना चाहिए। उसके सपोज आप एक स्पेशल टीचर हो, तो फिर आप कोशिश करो कि आप जनरल टीचर से कोलैबोरेट करो कि वो नॉर्मल करिकुलम फॉलो करवा सकते हैं, हम किस एडेप्टेशन के साथ करवा सकते हैं कि वो इन फ्यूचर इंटीग्रेटेड क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम में पार्टिसिपेट, कि वो इन फ्यूचर इंक्लूसिव क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर सके। और उसके डॉक्टर से कंसल्ट करो कि इसको क्या कंडीशन है, क्या प्रीमेच्योर बर्थ था या फिर लेट क्राई था या फिर कोई और कॉज था। उसके पेरेंट्स से बात करो कि घर पे क्या कंडीशन है उसके, बाकी के स्पीच थेरेपिस्ट अगर वो लेता है, स्पीच थेरेपी लेता है या फिर ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपी कुछ भी लेता है, तो उन प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करो कि क्या क्या इसकी कंडीशन है। या मतलब कह लो कि सारे प्रोफेशनल्स के साथ कंसल्ट करना सीखो अपने आप को, मतलब ठीक है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो बट बच्चे की सारी कंडीशन को लेके चला करो, जिससे बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन, टीच स्टूडेंट स्ट्रैटेजी ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन देयर अटेंशन सच एज माइंडफुल टेक्निक्स एंड सेल्फ टॉक। बच्चे की सेल्फ रेगुलेशन पे ज़्यादा फोकस करो कि बच्चा खुद के डिसीजन खुद ले सके। अगर हम बच्चे को दो चीज़ देते हैं, सपोज हम बच्चे को एक छोटी चॉकलेट देते हैं और एक बड़ी चॉकलेट देते हैं, तो बच्चा हमेशा बड़ी चॉकलेट उठाता है ना, उसका वो सेल्फ डिसीजन है, उसने वो सेल्फ खुद से डिसाइड किया है कि हाँ मेरे को बड़ी चॉकलेट चाहिए। हम एक बड़ी बॉल रख रहे हैं, छोटी बॉल रख रहे हैं, उसने खुद ने डिसाइड किया है। इनफैक्ट चलो बड़ा छोटा छोड़ो, हमने उसे सेम कपड़े दिए बट डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिए, तो ये बच्चा खुद चूज़ कर रहा है। तो थोड़ा फोकस करा करो कि बच्चा खुद से डिसीजन ले, जिससे वो सेल्फ मॉनिटरिंग भी कर पाएगा। अगर हम उसको बताएंगे कि तुमने ये गलत किया, तो वो अगली बार से वो टास्क को करके चेक करेगा कि क्या ये मैंने गलत किया है। जैसे कि जब बच्चे सेकेंड थर्ड में होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि चलो अपना पेपर रीचेक करो, जिससे बच्चा खुद को मॉनिटर करता है, उसे पता चलता है कि उसकी क्या क्या गलतियाँ थी जो उसको इन फ्यूचर में नहीं करनी है। तो ये सारा था अटेंशन का। नेक्स्ट अब हम आते हैं परसेप्शन पे। परसेप्शन फॉर अ चाइल्ड विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग देयर यूनिक चैलेंजेस इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। परसेप्शन बेसिकली उन सारे चैलेंजेस को इंक्लूड करता है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये क्रूशियल होता है रिकॉग्नाइज करने में कि बच्चे का किस स्टेज को लेकर कैसा परसेप्शन है। जैसे कि कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम परसेप्शन जिससे हम SLD बच्चे का परसेप्शन सपोर्ट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं? पहला मल्टीसेंसरी लर्निंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा मल्टीसेंसरी अप्रोच यूज़ करो, बच्चे का परसेप्शन बढ़ेगा इससे। अगर आप मल्टीसेंसरी यूज़ करोगे तो बच्चे का अलग अलग, लाइक उसने एप्पल खाया होगा तो उसे पता होगा कि एप्पल का टेस्ट कैसा होता है, ऑरेंज खाया होगा उसे पता है ऑरेंज का टेस्ट कैसा होता है, तो उसके माइंड में अपना परसेप्शन सेट हो गया है कि अच्छा ये ऐसा है। तो इसलिए मल्टीसेंसरी अप्रोच यूज़ करा करो, विजुअल एड यूज़ करा करो, हैंड ऑन एक्टिविटी, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेस्थेटिक लर्नर बनाओ बच्चे को कि बच्चा करके सीखे, बच्चे को लाइक किताबी कीड़ा या फिर रोट मेमोराइजेशन वाली चीज़ें छोड़ दो। आप आने वाले टीचर्स हो तो फोकस करो कि बच्चा इस तरह से सीखे कि मज़ा आए उसे, जो आपके साथ हुआ है जो हमारे साथ हुआ है वो वाली चीज़ आगे प्रोसीड ना करना। तो हैंड ऑन लर्निंग पे ज़्यादा एक्सपीरियंस करो, नॉर्मल स्पेशल हर तरह के बच्चे के लिए। क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करो, हमेशा हमें बच्चे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए। असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करो कि बच्चे को हम अलग अलग चीज़ें अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। आज के टाइम में कितने सारे अडेप्टेशन आ गए हैं, अब खुद के लिए तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हो, तो कोशिश करो कि उन बच्चों को भी हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करवा सकें। जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर हम उसे बताएं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टूल या फिर कैलकुलेटर्स, ये सारी चीज़ें हम उसको यूज़ करना सिखाएं। नेक्स्ट आते हैं हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। हमेशा बच्चे को शाबाशी दो, हमेशा उसको डांटना चिल्लाना इज नॉट गुड। आप कोशिश करो कि आप बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सको। उसने अगर चलो कोई गलती भी की है तो आप उसे कहो वेरी गुड, आपने ट्राई किया, गलत है बट आपने ट्राई किया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हमारा ऐसा थोड़ा सा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ऐसा करोगे तो एक स्पेशल बच्चा, एक डिसेबल्ड बच्चा अच्छा अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ सुपीरियर फील करेगा। तो इस बात पे भी थोड़ा ध्यान रखो कि सामने वाले की तो ज़िंदगी है। नेक्स्ट इंडिविजुअल सपोर्ट, वही इंडिविजुअल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। अब मोस्टली सेम पॉइंट है क्योंकि बच्चा तो SLD ही है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है उस बच्चे को, तो आपको पॉइंट्स तो वही फॉलो करने पड़ेंगे उस बच्चे के लिए। मेमोरी के लिए भी देखो सेम पॉइंट है, विजुअल एड,
रिपीटेशन एंड रिहर्सल कि बच्चे का बार बार हम रिपीट करा रहे हैं, किसे हम जैसे कि SLD बच्चा है उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको मैथ्स में प्रॉब्लम है, सपोज डिसकैलकुलिया है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको बार बार प्रैक्टिस कराते रहे, अलग अलग मेथड से प्रैक्टिस कराएं, रिहर्सल कराएं, जिससे उसका ज़्यादा अच्छी पकड़ बने। तो कोशिश करें रिपीटेशन रिहर्सल इन सब की चंकिंग की होता है कि हम एक बड़े टास्क को स्मॉलर स्मॉलर टास्क में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही बड़े इन्फॉर्मेशन को स्मॉलर स्मॉलर इन्फॉर्मेशन में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सपोज बच्चे को डिसलेक्सिया है, बच्चा रीड नहीं कर पा रहा चीज़ें, डिसलेक्सिया रीडिंग था ना, हाँ, तो बच्चा रीड नहीं कर पा रहा उस पैराग्राफ को या फिर उस वर्ड को सपोज, और वो वर्ड है इन्फॉर्मेशन, तो हम क्या करते हैं कि हम उस वर्ड को तोड़ देते हैं इन्फॉर्मेशन, फिर बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही कोशिश करो कि इन्फॉर्मेशन को आप स्मॉलर स्मॉलर टास्क में ब्रेक डाउन कर दो, जिससे बच्चा अच्छे से ग्रैब कर पाएगा। तो नेक्स्ट हमें यूज़ करना चाहिए मल्टीसेंसरी अप्रोच। ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कि हमेशा मल्टीसेंसरी का यूज़ करो, एसोसिएटिव टेक्निक्स का यूज़ करो कि बच्चे को किस तरह से हम कनेक्ट करवा सकते हैं उसकी डेली लिविंग से, रियल लाइफ से। नेक्स्ट रेगुलर रिव्यू, तो हमेशा बच्चे को फीडबैक देते रहो। सपोज कॉपी चेकिंग हो रही है तो बच्चे को वेरी गुड एक्सीलेंट दिया जाता है ना, टाइम टू टाइम टेस्ट डिक्टेशन ये सब कंडक्ट की जाते हैं जिससे बच्चे को फीडबैक मिलता रहे। तो रेगुलर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, वही आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए। इनकरेज एक्टिव लर्निंग, बच्चों को एक्टिव लर्निंग में इनकरेज करो, बच्चे को परफॉर्म करवाओ टास्क, उसको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज मत दो कि हाँ ये है ये है ये है ये है, नहीं, कोशिश करो कि बच्चा आके उस चीज़ को परफॉर्म करे, कोशिश करो कि बच्चा आके उस चीज़ को हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले। तो इनकरेज एक्टिव लर्निंग, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मैंने आपको बताया, पता नहीं पॉइंट रिपीट हो गया क्या शायद, कि बच्चे को हमेशा शाबाशी दो, डांटो मत। तो इसी के साथ आपका ख़त्म होता है यूनिट नंबर 5 ऑफ पेपर नंबर 2 ऑफ IDD डिपार्टमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि आपको आपका यूनिट ही स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का है, तो इसमें डिसलेक्सिया डिसग्राफिया डिसकैलकुलिया से क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, उसके बाद जो हाईएस्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें भी क्वेश्चन आएगा। लिखवा लो मुझसे, 2-3 नंबर में पूछ सकता है आपसे कि कोई एक टर्म एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद पूछ सकता है कि थोड़ा सा लाइक सारे टर्म्स या फिर इसकी कंडीशन या फिर एक बच्ची की कंडीशन दे दी जाएगी, ऐसा करवा दो, मतलब क्वेश्चन तो आएगा। और लास्ट 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पूरी एक्सप्लेन करनी है, तो ये अच्छे से एक्सप्लेन करना कि पहले ऊपर लिखना स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाना जिसमें पाँचों की पाँच लर्निंग डिसेबिलिटी आप मेंशन करोगे, डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया डिसग्राफिया डिसप्रेक्सिया एंड डेवलपमेंटल अफेजिया, तो ये पाँचों की पाँचों आप मेंशन करना, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देना, पॉइंट्स देना एंड एग्जांपल भी देना। तो इस तरह से आप ये वाला आंसर ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लेन कर देना, एंड ये जो पॉइंट्स हैं इन सबको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपने देखा कि अटेंशन मेमोरी परसेप्शन सब में ये वाले पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को याद कर लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन तो इससे भी रिलेटेड आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर सोचो कि अगर एक ही टॉपिक में अलग अलग टॉपिक में पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं तो ये ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट होंगे। एंड इसके बाकी जो यूनिट्स हैं लाइक 5.3 5.4 और 5.5 वो मैंने देखा हुआ है, वो मैंने छोड़ा नहीं है। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि उसमें मैथ्स और बाकी लैंग्वेजेस से ही रिलेटेड है, यानी कि डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया डिसग्राफिया, ये 3 टर्म्स आपको डिटेल में पढ़नी है, यही 3 टर्म्स से रिलेटेड वो बाकी के 5.3 5.4 और 5.5 है। तो डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया डिसग्राफिया अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड इतना मुश्किल पेपर नहीं है, अच्छा पेपर होएगा आपका। क्वालिटी पे फोकस करना कि आप किस तरह से आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, यानी कि भर दिया गंदी हैंडराइटिंग में कुछ भी भर दिया, नहीं, सुंदर लिखो, साफ लिखो, कम लिखो और अच्छे से प्रेजेंट करो। तो इसी के साथ आपका एक पेपर ख़त्म, इस पेपर का यूनिट नंबर 5 ख़त्म होता है। एंड अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सिर्फ MD डिपार्टमेंट के लिए कंटेंट बनाती हूँ, ID, VI या फिर HI के लिए नहीं बनाती। ये वीडियो मैंने ये बताने के लिए भी बनाई है, प्लस मैंने ये वाले नोट्स बना दिए थे तो मैंने ये वाले भी इसमें समझा दिए हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को पहले टेक्स्ट कर दिया करो कि मैं उन नोट्स को प्रिपेयर कर सकूं, प्लस आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर दिया करो कि आपको वो नोट्स किस तरह से मिलेंगे या फिर उसका क्या क्या प्रोसीजर रहेगा फॉर द अदर डिपार्टमेंट्स IDD और MD छोड़ के, ID HI VI के लिए उन नोट्स आप कैसे ले सकते हो, तो उसके लिए आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट करते हो, बट
टेलीग्राम पे कर दिया करो क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा जल्दी एक्टिव नहीं आती हूँ। फिर आप लोग कहते हो कि मैम आप हमें इग्नोर कर रहे हो। मैं इग्नोर नहीं करती बट मैं आती ही नहीं हूँ उधर ज़्यादा एक्टिव, इसलिए कोशिश किया करो कि आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट करो, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।